तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फ्री फायर के विदाउट सबसे खतरनाक वाली वीडियो में। तो देखो, शादी करने के लिए आदमी का बड़ा होना जरूरी नहीं है, हाँ बल्कि खड़ा होना जरूरी है अपने पैरों पे। और ऐसे ही जिंदगी को बदल देने वाली बातों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। अच्छा अब देखो, हमारे पास आ जाती है ब्रह्मास्त्र, बोले तो डबल वेक्टर, वो भी शॉर्ट रेंज की। आ गए भाई साहब मरने के लिए हमारे हाथों। नहीं, मोक्ष प्राप्ति हो रही है इनके लिए। इन्हें दुखी नहीं होना चाहिए, इन्हें तो खुश होना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि यार ये बहुत ही महान पुरुष के हाथों से मरे हैं। आज तुम्हारा भाई जो जो क्लच करेगा ना, उसे देख के आपकी अकान शर्मिंदा हो जाएंगे, आंखें सुनना बंद कर देंगी। नहीं, उल्टा हो गया क्या? नहीं, थोड़ा सा देख लेना भाई, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब एक लौंडा यहाँ पे भाई ग्लू वॉल लगाता है, हम ग्लू वॉल तोड़ने वाला लिक्विड फेंक देते हैं, मतलब बोले तो तेजाब। अभी यहाँ पे इसके लौंडों को इसने बुला लिया है और ये हमारे ऊपर रस कर देते हैं। अरे भाई साहब गंदा मार रहा है बे। लगता है इसने भी गांधी जी का वो वाला इंटरव्यू देखा है, जिसमें गांधी जी बता रहे हैं अगर आप फ्री फायर खेलते हो, आपको हाथों से नहीं दिमाग से खेलना चाहिए। क्योंकि गांधी जी फ्री फायर में एक बहुत ही प्रो प्लेयर थे और मैं उन्हीं के बताए हुए नक्शो कदम पे चल रहा हूँ। अब देखो, उन्हीं के बताए हुए नक्शो कदम पे चलते हुए मैंने एक लौंडे को नॉक किया, दो लौंडे को नॉक किया। अरे इंजेक्शन लगा रहा है पिछवाड़े में, रुक जा रुक जा रुक जा, दोबारा डाउन हो। देखो बदतमीजी है यार, एक बंदा तुम्हें। अरे ये भी आ गया, अबे डबल वेक्टर है इसके पास, भाग भाग भाग। रुक जाओ, अबे ठीक करके देता हूँ, इसको खत्म करता हूँ। ले भाई गोला खा, एक और गोला खिलाता हूँ। अच्छा लग गया गोला इन लौंडों को, एक इसको भी फेंक के मारता हूँ। अच्छा दो फेंक के मार, अबे यार ऊपर क्यों लग रहा है? ओ, एक रिवाइव हो गया क्या इनका? अब भी ठीक करके देता हूँ। शेर शिकार करने से पहले मेडिकेट जरूर करता है। अच्छा अब शेर ने मेडिकेट कर लिया। अच्छा ये डाउन पड़ा है, अबे तवे में लग रही है, इसके पिछवाड़े पे जो तवा लगा है उसमें गोली लग रही है। चलो इनको तो ठीक करके दे दिया है मैंने। अभी यहाँ से यार जोन आ चुका है, अभी निकलते हैं यहाँ पे। अब तुम्हारा भाई फ्लो आ गया है। अब देखो तुम्हारा भाई जो मारेगा नहीं लॉन्डो को, निकलने तो दो अभी। आज तुम्हारा भाई 10-15 किल तो करे। ए, भग, साला बेमानी कर लिया यार, गद्दारी कर दिया। इस कलुए के लौंडे को भगवान माफ नहीं करेगा। चलो छोड़ो गाइस, उसको हमने भुला के एक और मैच लगा लिया है। अब भी देखो तुम्हारा भाई यहाँ पे दो लौंडे से कहा सुनी कर लेता है। अभी यार तुम कह रहे हो एक ही लौंडा है, अभी देखो दूसरा लौंडा पुचुक 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 करे जा रहा होता है। देखो ये देखो, उसी ने मारा, वो उधर बैठा है VSS लेके, कब से कुचुक पुचुक 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 करे जा रहा है। अभी देखो इसको ठीक करके। अरे भाई रुक जा रुक जा, तेरा भी नंबर आएगा। एक मिनट, ये भाई साहब नीचे से आ रहा है मेरे ऊपर रस करने, पहले इसको ठीक करके देता हूँ। नहीं लगी गोली, कोई बात नहीं। चलो भाई सीढ़ियों पे चलता हूँ, इसको भी ठीक करता हूँ, फिर इसको बताता हूँ। तेरे को तो हेड ही मारूंगा, इसको पहले बॉडी से मारूं चाहे जिससे मारूं। एक मिनट, अरे मर जा मर जा मर जा। अरे यार यार दो तीन गोली मारनी चाहिए थे तुम्हें मुझे, नहीं तो लोग नू भी समझेंगे, और जबकि ये हीरोइक 3 स्टार वाली लॉबी है। अभी इस कलुओं के लौंडे को ठीक करके देता हूँ। हाँ भाई अभी आ गया ये। देखो लड़कियाँ अच्छी लगती हैं कुर्ती में, और तुम्हारा भाई अच्छा लगता है फुर्ती में। अब ये कलुआ का लौंडा हमारे खिलाफ साजिश रच के नीचे कूद जाता है। इसे लगता है कि हम लूट नहीं पाएंगे, ना ही इसे मार पाएंगे। अब उसको खत्म करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे कोई कहा सुनी कर लिया है किसी लौंडे के साथ। अब भी देखते हैं यहाँ पे, ये लौंडा यहाँ पे अधमरा पड़ा होता है, हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तभी इसके खानदान, नहीं, अपोजिट टीम के खानदान के लौंडे हम पे भड़क जाते हैं, और प्लस हम उन्हें छेड़ भी देते हैं। एक लौंडा इधर आ रहा होता है, हम इसका खोपड़ा खोल देते हैं। तभी मैं देखता हूँ इनका एक लौंडा कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ा रहा होता है, तड़प रहा होता है, ये आ जाता है हमसे मरने। अरे मार रहा है यार। अब देखो इसको पहले वेरीफाई कर लेता हूँ। अब तुम्हारा भाई जो क्लच करेगा ना, अब शेर शिकार करने से पहले मेडिकेट जरूर लगाता है। अब क्लच देखो, वो लगता है गाइस कुछ ग्लिच चल रहा है। दैट्स फॉर टुडे गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। आज की ज्ञान की बात, सांप हो या फिर शराबी, ये दोनों चाहे जितने टेढ़े चलते हों,
पर घर में हमेशा सीधा ही घुसते हैं।